जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे YouTube पे जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और जो सच्चाई दिखा रहा है, जो सच्चाई बता रहा है, उसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। क्यों? देखिए, ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत आसानी से। आप घर बैठे देखिए, मैं किचन में खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सोचिए, आज के समय में जब लोग मतलब बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े MNCs वाले जो इंजीनियरिंग किए हुए लड़के, IT डॉक्टर्स, मतलब IT पढ़े, IT में जॉब कर रहे हैं, वो सारे लड़के बाहर जाके जॉब कर रहे हैं IT कंपनीज में, और उनसे जितना वो कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा घर बैठे एक यूट्यूबर कमा रहा है। तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे कमा सकते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ख़राब वीडियोस बना रहे हैं ना YouTube पे, वो सबसे ज़्यादा सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि देखिए, इंडिया की मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे गरीब है इंडिया में, है ना। हर कोई या तो मिडिल क्लास फैमिली से है या तो उससे भी नीचे, बोल रहे लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, और पैसे की लालच सब किसी को होती है। और हम इंडियंस में तो मतलब हमको फ्री में कुछ भी मिल जाए हम तो मतलब उसके पीछे पागल हैं। तो जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है हम उसके पीछे पागल हैं, और जो चीज़ आसानी से हो जा रही है वीडियोस में, क्रिएटर्स क्या बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिए आसानी से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, है ना। कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, 2 मिनट की मेहनत, 5 मिनट की मेहनत, इजीली किचन से रिलेटेड वीडियोज़ बना लीजिए, चेहरा छुपा के वीडियोज़ बना लीजिए, केवल वॉइस ओवर कर लीजिए, या फिर कैसे भी वीडियोज़ बना लीजिए, आपको मेहनत नहीं लगेगा लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्रिएटर्स आपको दिखाते हैं। अब क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि हमारे घर में पैसे की कमी है, क्योंकि हो सकता है जो ये आपको किचन दिख रहा है, आपके आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा ही रूम हो आपके पास, तो आपको लगता है यार क्या मस्त किचन से बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है ये बंदा, तो सही है यार। आपको सपने दिखाने लगता है वो क्रिएटर, और आप सपने देखने लगते हो वीडियो देखते समय, यार कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, मेरे पास भी पैसा होगा, मैं भी अच्छा बढ़िया आलीशान घर बनवाऊंगा, किचन बनवाऊंगा, बढ़िया एक्वागार्ड का RO लगवाऊंगा, और देख रहे क्या शानदार एकदम आलीशान ऐसे मकान बनवाऊंगा। आप सपने देखने लगे, लालच पैदा हुई, उसको व्यूज़ आए, और वीडियो बनाया, और व्यूज़ आए, और वीडियो बनाया, व्यूज़ आते गए। लेकिन जो अगर जेन्युइन बात करेगा वीडियोज़ में कि नहीं यार इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे करो काम, तो आप उसको देखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप सपने ही नहीं देख पा रहे हो। अब आप सपने ही नहीं देख पा रहे हो तो आप उसको आओगे नहीं दोबारा देखने। लेकिन जिसने आपको सपने दिखाया, बढ़िया किचन बन गया भाई, ये मैंने YouTube के पैसे से ये लिया है, एक्वागार्ड लगाया, बढ़िया ये कुकर खरीदा हूँ, गैस खरीदा हूँ, और ये पानी की बोतल आपको दिख रही, पानी की बोतल लिया हूँ, जो भी कुछ मेरे पास है ज़बरदस्ती मैं दिखाऊंगा। आपको लालच आई, आप सपने देखते रहे, हाँ यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यूट्यूब पे यही चलता है। मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि दोस्त, अगर आपको ग्रो करना है ना भाई, देखो सबको पता है कि यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं, आप इस चीज़ के पीछे मत पड़ना कि यार बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती कुछ नहीं होती है, इज्जत भी रहेगी क्या कर लोगे जब जेब में पैसे नहीं रहेंगे, बाहर जाके कमाओगे उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ घर बैठे मिलेगा। तो आज के डेट में देखो सब होशियार हैं और सबको पता है कि यूट्यूब पे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। तो आप भी, मैं बोलूँगा आपको दोहरे कैरेक्टर की वीडियो बनाना है, बना दीजिए, चिंता मत कीजिए भाई। आजकल के लोग लालची हैं, सच में लोग खुद बेवकूफ़ बनना चाह रहे हैं। तो जब लोग सामने वाले खुद बेवकूफ़ बनना चाह रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाने में क्या जा रहा है? आप सोचो, सामने वाला खुद ट्रेन के सामने आके खड़ा हो जा रहा है कि मेरे को मरना ही है, तो भाई मरना ही है उसको तो रोक नहीं सकते। आप नहीं करोगे तो बाकी के लोग तो कर ही रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग अगर गड्ढे में कूद रहे तो हम भी गड्ढे में कूदें, लेकिन फिर भी यार देखो, आपको वो चीज़, मेरे को तो लगता है करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने बहुत चीज़ देख लिया अपने चैनल पे अप्लाई करके कि यार नहीं यार अच्छा काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जिसका नतीजा आज 650 के ऊपर वीडियोज़ हुई हैं, कुछ मतलब नहीं हुआ, मतलब 600 के आसपास ही हुई हैं वीडियोज़, कुछ मतलब नहीं हुआ है मेरे चैनल पे। लेकिन वहीं जो गंदी बात या गलत बात कर रहा है उसका चैनल ग्रो हो जा रहा है। इससे पहले भी मेरे मल्टीपल चैनल्स रहे हैं, वहाँ पर भी मैंने ये गलती किया था कि नहीं यार जेन्युइन कंटेंट देना है ऑडियंस को, नहीं तो ऑडियंस को बेकार लगेगा। उस चक्कर में मेरी मतलब पूरी ना यूट्यूब की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने ये चैनल खोला, सोचा कि चलो जैसे भी काम करूंगा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन इस पर भी मैंने काम किया उतने अच्छे से क्या मतलब, वैसा फिर भी फ्रॉड वाला काम मैं कर नहीं पाया इस चैनल पर भी। तो इस चैनल पर भी मेरी वही हालत हो गई। थोड़ा सा ये गुड़ है, गुड़ खा लें। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ भी कि जैसे लोग देखना चाहते हैं, जैसी वीडियोस लोग देखना चाहते हैं, मैं भी वैसी वीडियोस लोगों को दिखाऊं, तभी मैं ग्रो हो पाऊंगा। तो भाई इस वीडियो के जरिए
आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ भाई, लोग खुद बेवकूफ़ बनना चाह रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। बेवकूफ़ बना दो जैसा वीडियो भाई, ग्रो हो जाओ यार, तुम बस ग्रो हो जाओ बस। अपने को अपने से मतलब रहना चाहिए और किसी से मतलब नहीं रहना चाहिए भाई। बाकी के लोग कर रहे हैं, प्रोफेशन ही है ये, क्लाइंट सुने होना, मेरा एक दोस्त अक्सर बोलता है मुझको कि गंदा है पर धंधा है। भाई धंधा ये है यूट्यूबर्स का, है ना। हर चैनल उसमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लेकिन जितना आप बेवकूफ़ बना सकते हैं उतना बेवकूफ़ बनाइए। शर्म मत खाइए, क्योंकि अंत में देखिए, किसी का नाम कितना भी ख़राब है, चाहे वो कोई हीरो हो, चाहे गुंडा हो, चाहे विलन हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, चाहे आप मतलब नहीं बोल रहा हूँ वीडियो में, चाहे जो गंदा काम भी करते हैं ना लोग, गंदा काम मतलब जितना घिने से घिना काम भी आप सोच लीजिए करते हैं वो लोग, लेकिन आज बहुत पैसा कमाए हैं वो। लेकिन उनको कोई गलत बोला है क्या? सामने से कोई गलत नहीं बोलेगा, पीठ पीछे तो फिर भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे को भी लोग गलत बोलेंगे। पैसे की वैल्यू है दोस्त, उन्होंने पैसा कमा लिए, भले गलत काम करके पैसा कमाए लेकिन कमाए, उनके सामने कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता। तो आप भी YouTube पे हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कमा लो पैसे, गलत सलत काम जैसे करना है करो भाई, बस अपना चैनल ग्रो कर लो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी गाली दे दे के ग्रो हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाली दे दो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पूरा ईमान बेच दो, लेकिन थोड़ा सा उंगली टेढ़ी करके आप काम ज़रूर कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ अगर सवाल है आपका, आपके मन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो होना है ना, ऐसा जेन्युइन चैनल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इस चैनल पर ना बहुत माल पड़ा है, और जैसी जेन्युइन बात मैंने किया हूँ पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। भाई आपको अगर आपका चैनल ग्रो करना है ना, इस चैनल की सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि ऐसी बात पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। कुकर लड़ गया। ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर आपको आपका चैनल ग्रो करना है ना तो आप उन प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यूट्यूब पे हमको कैसे काम करना है और आप हमको अपना चैनल कैसे ग्रो करना है, कैसे हम ग्रो कर सकते। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। श्री सीताराम। गुड़ बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है, पानी पीना पड़ेगा। नाक में आ गया। गुड़ तो मीठा ही होता है ना वैसे। मेरी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे ताकि आप अच्छे से काम कर सकें और आपका चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो और आप अपने चैनल को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जा सकें।